आज हम लोग बहुपद से रिलेटेड कुछ पद या टर्म के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग बहुपद क्या है उसके बारे में जान चुके। आज हम लोगों को कुछ जो छूट गया था उनके बारे में यहाँ पर बताया गया। कल हम लोग डिफिनेशन में ही केवल पढ़े थे बहुपद का, तो यहाँ पर बहुपद का संकेत दिखाया गया। जो भी हम लोग बहुपद पढ़े थे उन सभी को संकेत में p ऑफ x, g ऑफ x, r ऑफ x, q ऑफ x के द्वारा सूचित किया जाता है। जो बहुपद है उनको हम लोग सूचित कर सकते हैं इक्वल के रूप में। जैसे कि एग्जांपल में दिखाया गया है, यह एक बहुपद दिख रहा है 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। यह एक बहुपद है, इसको सूचित कर दिया गया p ऑफ x। p ऑफ x इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली g ऑफ x इज इक्वल टू दिस। और भी हम लोग सूचित कर सकते हैं किसी भी चीज से, r ऑफ x से लिख सकते हैं, सूचित कर सकते हैं, a ऑफ x से सूचित कर सकते हैं। लेकिन ये जो है आपका प्रमुख चीज है, इन्हीं से ज्यादातर सूचित किया जाता है। समझ में आ रहा? तो बहुपद को संकेत में हम लोग इस तरीके से लिखा करते हैं। अब आगे दिखाया गया बहुपद के मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता, बहुपद को लिखने का क्या तरीका। तो बताया गया है कि जो बहुपद होता है उस बहुपद को हम लोग हमेशा कैसे लिखते हैं। तो चढ़ के घात के घटते हुए क्रम में लिखते हैं या चर के घात के बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। ये दो तरीका है, इस तरीके से हम लोग बहुपद को लिखते हैं। तो उससे जो रूप बनता है वही बहुपद का मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म के नाम से जाना जाता है। जैसे दिखाया गया है यहाँ पर, लिख भी दिया गया है, यह एक बहुपद है p ऑफ x इज इक्वल टू, देखिए लिखा 6x स्क्वायर, यहाँ पर x का घात 2 है 3x, घात 1 है 5x, घात 0 है। तो घात को देखिए घटते हुए क्रम में लिखा गया, किस क्रम में, घटते हुए। अगर कोई भी बहुपद दे दे, चाहे कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा, उनको हम लोग घात के बढ़ते हुए क्रम में या तो घटते हुए क्रम में लिखेंगे। जो रूप बनेगा उन्हीं रूप को बहुपद का मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म के नाम से जाना जाता है। उसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बढ़ते हुए क्रम में चढ़ के घात को, x का पावर 0 है, 1 है, 2 है, और भी आगे बढ़ सकता है अगर हम लोग इसको बढ़ाना चाहें तो। ये x क्यूब हो सकता है, x टू द पावर 4 हो सकता है, x टू द पावर 5 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, यह क्रम चलता रहेगा इसी प्रकार से। तो बहुपद का मानक रूप क्या है हम लोगों को वो समझ में आ गया, यानी कि जो चर होगा चर के घात के घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे वह बहुपद का स्टैंडर्ड रूप हो जाता है, और वही रूप ज्यादातर प्रचलित, इस प्रकार का रूप प्रचलित, घात के घटते हुए क्रम में लिखा जाता है ज्यादातर बहुपद। आगे दिखाया गया है बहुपद के पद, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। जो बहुपद हम लोग कल पढ़े उसका पद क्या होगा, किसको पद के, तो हम लोग एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। डिफाइन ऐसे किया जा सकता है कि कोई भी बहुपद है उस बहुपद में प्लस और माइनस के द्वारा जो अलग अलग पद बनता है वही बहुपद का पद कहलाता है। एक एग्जांपल से यहाँ पर दिखाया गया है, p ऑफ x इज इक्वल टू 6x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3। यह एक बहुपद दिख रहा, इसमें पद कौन हो सकता है, तो कहा गया कि प्लस और माइनस के द्वारा जो अलग है उन्हें ही पद के नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए माइनस है, प्लस है, माइनस, इनके द्वारा अलग हो रहा,
माइनस के द्वारा ये अलग है, प्लस के और माइनस के द्वारा ये अलग है, प्लस माइनस के द्वारा ये अलग है, माइनस प्लस के द्वारा ये अलग है। तो यहाँ पर ये सभी पद के नाम से जाना जाता है, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है। तो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है जो बहुपद है उस बहुपद में कितने पद हैं, चार पद दिख रहे हैं, 1 2 3 4 चार पद, प्लस और माइनस के द्वारा जो भी अलग होगा वह पद कहलाएगा, या एक पद या दूसरा पद या तीसरा पद या चौथा पद। उसी तरीके से आप बताइए p of x is equal to 6x plus 2, यहाँ पर कितना पद है, दो पद है, है ना, एक पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया, 6x एक पद है और 2 दूसरा पद है। उसी तरीके से g of x is equal to 3x cube minus x minus 2, बताइए इस बहुपद में कितने पद हैं, तीन। तो इस बहुपद में तीन पद हैं, 1 2 3, है ना। तो हम लोग बहुपद के पद को अब आसानी से पहचान सकते हैं, बहुपद में कितना पद है। हम लोग कुछ समय के बाद पढ़ेंगे इसी पद के अनुसार बहुपद को कई भागों में बांटा गया। तो हम लोग अभी सबसे पहले जो बहुपद से रिलेटेड टर्म है उनको पढ़ेंगे। इसमें कोई दिक्कत है बहुपद के पद में, नहीं है, उतारिए। चलिए देखिए, हम लोग बहुपद के पद के बारे में पढ़े। अगला स्टेटमेंट लिखा गया है बहुपद के गुणांक, जो बहुपद पढ़े उसका गुणांक क्या होता है। गुणांक इंग्लिश में कोफिशिएंट के नाम से जाना जाता है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलीनोमियल। गुणांक क्या है यानी कि कोफिशिएंट क्या है इसको जानना। तो हम लोग बहुपद के पद पढ़े, तो बहुपद का जितना पद होगा, बहुपद के जितना पद होगा, प्रत्येक पद के या प्रत्येक पद में जो अचर संख्या होता उसे ही पद का गुणांक कहा जाता। हम लोग एक बहुपद यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिए, यहाँ डिफाइन किया गया है सिंपल सा कि प्रत्येक बहु यानी कि बहुपद का जो प्रत्येक पद है वह उस पद के अचर संख्या, जो अचर संख्या उसी अचर संख्या को उस पद का गुणांक कहा जाता। जैसे यहां पर देखिए, एक p of x is equal to इतना है, x to the power 4 minus 5 x to the power 3 plus 2x square minus x plus 5, यह एक बहुपद है। यहां पर हम लोगों को पांच पद दिख रहा, 1 2 3 4 और 5, पांच पद है। तो बोला गया प्रत्येक पद, ये एक पद है, इस पद में जो अचर संख्या है क्या होगा, अचर संख्या पद के बगल में, है ना, या चर के बगल में। ये देखिए आपका, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x का पावर 4 का गुणांक बराबर, यह एक अकेला पद है, इस पद में x के बगल में 1 छिपा हुआ, लिखा नहीं गया, बहुत जगह हो भी सकता है, यहां पर नहीं। तो x के बगल में एक अचर संख्या गुना के रूप में रहता है ना, जैसे 5 × x³ है, तो ये चर है, चर के बगल में एक अचर संख्या गुना के रूप में रहता है। जो संख्या चर के बगल में गुना के रूप में रहेगा उसी को हम लोग उस चर का गुणांक है। x टू द पावर 4 के बगल में चर, ये जो चर है उसके बगल में अचर क्या है, 1, इसीलिए इसका गुणांक 1 हो जाएगा।
उसी तरीके से ये दूसरा पद है, इस पद में एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का गुणांक बराबर क्या है माइनस फाइव, तो माइनस फाइव हो जाएगा। इसको देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या है इसके बगल में दो है, उसी तरीके से एक्स, एक्स के बगल में क्या है एक्स के बगल में माइनस वन है। आगे देखिए आगे क्या है फाइव, यह भी तो पद है, इसका भी गुणांक होगा, बोला जा सकता है ऐसा सोचा जा सकता है, इसमें तो चढ़ ही नहीं है तो इसका गुणांक क्या होगा, गुणांक हमेशा किसी चर का होता है, इसमें तो चढ़ ही नहीं, इसका गुणांक होगा होगा यहाँ पर एक्स टू दी पावर जीरो छिपा हुआ है, इसलिए एक्स टू दी पावर जीरो का गुणांक क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा। तो गुणांक क्या है समझ में आया, गुणांक का मतलब ही है जो पद है, पद में जो चर है, चर के बगल में जो संख्या गुणा के रूप में रहता है उसी को उस चर का गुणांक बोलेंगे। इसी प्रकार का सवाल भी पूछा जाता है आपसे, भी लोग हल भी करेंगे कि गुणांक क्या चीज है, कोई दिक्कत है इसमें उतारा जाए फिर। चलिए अगला स्टेप लिखा गया है बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या है उसे इंग्लिश में इंडेक्स या पावर के नाम से जाना जाता है, पावर या इंडेक्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो घात तो हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए जैसे हम लोग लिखते एक संख्या फाइव टू दी पावर या x टू दी पावर 8, तो यहां पर ये जो संख्या है इसी संख्या को हम लोग आधार कहते हैं, यानी कि बेस, और ये जो ऊपर वाला संख्या है x के ऊपर में इसको हम लोग घात कहते हैं और इंग्लिश में पावर इंडेक्स रेडिकल एक्सपोनेंट इस नाम से जाना जाता है। घात को ही एक्सपोनेंट बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, पावर बोलते हैं इंग्लिश में। तो घात क्या चीज है, तो यही है आपका जो संख्या है एक्स उसके ऊपर में जो है आपका उसी को क्या बोला गया है घात, और इसी को पढ़ते हैं x टू दी पावर 8, x टू दी पावर 8 पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर जो बहुपद दिख रहा है पूछा गया बहुपद की घात, तो बहुपद की घात क्या है, तो बोला गया है जो बहुपद में चर होता है ना, चर में प्रत्येक चर के ऊपर एक घात होता है, तो चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल दिया गया है g ऑफ x इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 है, माइनस 3x टू द पावर 3 है, माइनस 4x स्क्वायर है, माइनस x है, प्लस 5 है। यहां पर देखिए चर x है, इसका घात 4 है, x चर है घात 3 है, चर x है घात 2 है, चर x का घात 1 है। तो बहुपद की घात क्या होगा, तो बहुपद का घात किसको कहते हैं, तो चर की सबसे बड़ी घात को लिख दिया गया, चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर चर का सबसे बड़ी घात क्या है 4 है, इसलिए हम लोग लिखेंगे g ऑफ x की घात बराबर 4, और ये घात क्या होता है, तो चर की सबसे बड़ी घात होता है। समझ में आ रहा,
बहुपद की घात चर की सबसे बड़ी घात क्या होगा, चार हो जाएगा। उसी तरीके से बताइए, एक एग्जांपल लिया जा रहा है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 माइनस एक्स टू द पावर 1 फाइव एक्स टू द पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x टू द पावर 7 प्लस या माइनस 5। पता है यह एक बहुपद है, इस बहुपद में बहुपद की घात क्या दिख रहा है? चर का घात 3 है, 1 है, 5 है, चर का घात 2 है, चर का घात 7 है। तो बहुपद की घात का क्या मतलब है? चर की सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात क्या है? 7 है। इसलिए p ऑफ x की घात बराबर 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत है? अब हम लोग बहुपद के प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का कितना प्रकार, तो बहुपद को कई वर्गों में बांटा गया है, कई भागों में बांटा गया। तो कई भागों में बांटने के लिए आधार चुना गया कि किस आधार पर बांटा था। तो एक आधार लिया गया है पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। यानी कि हम लोग कह सकते हैं बहुपद जो है, कौन हिला दिया जी, चलिए यहां पर दो आधार लिया गया, एक पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। ठीक, तो दो आधारों पर बहुपद को कई भागों में बांटा गया। पहला है आपका पद के आधार पर बहुपद को तीन भागों में बांटा गया। पहला है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद को मोनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं। मोनो का मतलब होता है एक, और ये जो है आपका मोनोनोमियल लिखना है, मोनोनोमियल, ठीक है, मोनोनोमियल लिखिए। मोनोनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मोनो का मतलब जो होता है एक होता है, और नोमियल का मतलब पद होता है। मोनोनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है, एक पदी बहुपद। आगे है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद को बिनोमियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिनोमियल। तो बी का मतलब होता है दो, और नोमियल का मतलब होता है पद। जैसे यहां पर मोनो का मतलब एक, यहां पर बी का मतलब दो, नोमियल का मतलब पद, यहां पे भी नोमियल का मतलब पद हो जाएगा। उसी तरीके से त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ट्राई का मतलब तीन होता है, और नोमियल का मतलब पद होता है। तो त्रिपदी पॉलिनोमियल, समझ में आ रहा है? तो ये पद के आधार पर बहुपद का तीन प्रकार, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। उसी तरीके से और भी हो सकता है, लेकिन उसका आवश्यकता हम लोगों के सिलेबस में पड़ता है। तो हम लोग एक आधार जान लिए, अब दूसरा आधार आता है घात के आधार पर। जो हम लोग पावर पर है ना घात बहुपद का, उसी घात के आधार पर बहुपद को चार भागों में बांटा गया। कितने भागों में? चार भागों में। पहला भाग का नाम है एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद को ज्यादातर रैखिक बहुपद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद का इंग्लिश होता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल।
उसी तरीके से दूसरा द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बोला जाता है। उसी तरीके से त्रिघाती बहुपद क्यूबिक पॉलीनोमियल, शून्य बहुपद जीरो पॉलीनोमियल। अब हम लोग एक एक एग्जांपल भी इसमें देख लेते हैं, हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग सबको डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पर बताया गया है एक पदी बहुपद कौन हो सकता है जिसमें कि केवल और केवल एक पद होगा, जैसे कि सिक्स एक्स एक अकेला पद है। उसी तरीके से सिक्स एक्स स्क्वायर ये भी क्या है, एक अकेला पद वाला बहुपद है। तो जिस बहुपद में एक पद होगा वह एक पद ही कहलाएगा। अब दूसरा दो पद वाला, ये जो है सिक्स एक्स प्लस टू, एक पद दो पद, ये आपका द्विपदी बहुपद कहलाएगा। उसी तरीके से और भी हो सकता है थ्री एक्स प्लस टू, और इसका सामान्य रूप ए एक्स प्लस बी होता है, यह द्विपदी बहुपद का एग्जाम्पल। उसी तरीके से त्रिपदी बहुपद भी हो सकता है, इसमें तीन पद होना चाहिए, त्रिपद का मतलब तीन पद। जैसे देख लीजिए हम लोग लिख सकते हैं सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फाइव, यह एक बहुपद दिख रहा, इसमें कितना पद है तीन पद है, इसीलिए इस बहुपद को हम लोग त्रिपदी बहुपद कहेंगे, है ना। तीन पद रखने वाले बहुपद को त्रिपदी कहेंगे, दो पद वाले को द्विपदी, एक पद वाले को एक पदी कहेंगे। तो ये पद के आधार पर एग्जाम्पल मिल गया। उसी तरीके से हम लोग घात के आधार पर भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। रैखिक, रैखिक का मतलब एक घाती बहुपद, एक घाती क्या चीज है, जैसे सिक्स एक्स प्लस वन एक घाती बहुपद है, यहाँ पर एक्स के पावर के रूप में क्या छिपा हुआ है, वन छिपा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोले एक घाती बहुपद। अब देखिए उसी तरीके से यहाँ पे द्विघाती बहुपद, तो द्विघाती में घात कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। तो देखिए सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू, यह एक बहुपद है, इसमें घात बहुपद का क्या है दो है, जिस बहुपद का घात दो होगा उसको हम लोग द्विघाती बहुपद बोलेंगे। उसी तरीके से तीन घात वाले बहुपद को त्रिघाती बोलेंगे, इसी में हम लोग एक पद जोड़ देंगे सिक्स एक्स क्यूब, ये वाला बहुपद क्या हो जाएगा त्रिघाती हो जाएगा, क्योंकि इस बहुपद का मैक्सिमम पावर क्या है तीन है, इसीलिए ये आपका त्रिघाती बहुपद हो जाएगा सिक्स एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू। अब अगला क्या दिखाया गया, शून्य बहुपद, ये शून्य बहुपद क्या हो सकता है, वो भी बहुपद है ऐसा नहीं कहेंगे, उसको हम लोग अचर बहुपद कहते हैं, क्या कहते हैं अचर बहुपद, अचर बहुपद ये भी एक प्रकार का टाइप है अचर बहुपद। अचर बहुपद में जो घात होता है उसका पावर जीरो होता है, जैसे देखिए पांच, यह एक बहुपद है या नहीं है, कैसे इसके बगल में x का पावर जीरो छिपा हुआ, x के पावर जीरो का मतलब क्या होता है वन होता है। तो जिस बहुपद की घात जीरो होता है उसको हम लोग अचर बहुपद बोलेंगे, क्या बोलेंगे अचर बहुपद, घात शून्य इसीलिए अचर बहुपद। तो पांच एक बहुपद है, सात एक बहुपद है, आठ एक बहुपद है, कौन सा तो अचर बहुपद, यानी कि जितना भी संख्या है सभी संख्या क्या है एक बहुपद है, कौन सा अचर बहुपद, याद रहेगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया शून्य बहुपद, शून्य बहुपद क्या है तो वैसा बहुपद जिसका प्रत्येक गुणांक शून्य होता, जिसका प्रत्येक गुणांक शून्य होता, जैसे कि एग्जांपल देखिए किसका प्रत्येक गुणांक शून्य हो सकता है, जैसे देखिए x का पावर पांच जीरो प्लस जीरो, x का पावर चार जीरो, x का पावर तीन माइनस जीरो, x का पावर दो माइनस जीरो, x का पावर वन, यह एक बहुपद दिख रहा, लेकिन प्रत्येक का गुणांक क्या है
जीरो 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 जीरो, ऐसे बहुपद को शून्य बहुपद बोला जाता है। समझ में आ रहा? जीरो पॉलिनोमियल, और अचर को कांस्टेंट बोलते, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोले। तो अचर बहुपद में पावर क्या होना चाहिए एक्स का? जीरो होगा तो हम लोग उसे अचर बहुपद के नाम से जानेंगे। याद रहेगा? कोई दिक्कत है?